दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी प्लेन कुर्ती में नीचे बॉर्डर बनाने का बहुत ही आसान तरीका। ये मैंने क्लॉथ लिया है और ये मैंने बुकरम ली है जो कि चिपकाने वाली है। अभी आपको मैं इसमें डिजाइन बताती हूँ किस तरह बनानी है। जो बुकरम की लंबाई ली है मैंने 20 इंच ली है और इसकी चौड़ाई ली है 3.5 इंच। अभी मैं इसको इस तरह से बीच में से डबल फोल्ड कर लूँगी। सेंटर से इस तरह से डबल फोल्ड कर लें। अभी जो हम इसमें डिजाइन डालेंगे 2.5 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे। सेम इसी तरह 2.5 इंच के इसमें बॉक्स बना लें हैं। तो ये हमारे 2.5 इंच के बॉक्स बन गए। अब इस तरह से डार्क लाइन खींच लें। अभी जो हमने ये बॉक्स बना लिए हैं अब मैं आपको इसकी डिजाइन देना बताती हूँ। जैसे मैंने 2.5 इंच लिया है तो इसका हाफ ले लें और हाफ से इसकी भी हम इसमें गुलाई करेंगे। तो आप हाफ को भी इस तरह से लाइन खींच सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से। तो ये जो डिजाइन आएगी ये हम राउंड में लेंगे। तो जो ये डिजाइन बनी है हमारी इस तरह से, अभी हम इनको सेम ड्रॉ जो किया है उसमें कट करेंगे। और इनको हमको अलग नहीं करना है, थोड़ा सा हमको छोड़ना है इसमें। मैंने ये कट कर दिया है तो कट होने के बाद ये इस तरह से आ रहा है। और आप देख सकते हैं जो हमने आउटसाइड का है वो इस तरह से आ रहा है। आप चाहे तो इसको भी डिजाइन में यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको कपड़े पे पैच अटैच करना बताती हूँ। तो मैंने जो ये कपड़ा लिया है इसको मैं इसके साथ जो साइनिंग है इधर से मैं इसको सीधा रखूँगी और कपड़े को इस तरह से उल्टा, तो ये इस तरह से आएगा। और इसको मैं अभी प्रेस से चिपका देती हूँ। और आप अगर आपके पास नॉर्मल बुकरम है तो आप इसको नॉर्मल स्टिच कर सकते हैं। मैंने अभी इसको चिपका दिया है। अभी जो साइड का है इसको हम कट कर देते हैं। तो आप इस तरह से कट करें जो कि ये डिजाइन में हमारे और उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा क्लॉथ है आप इस तरह से इसको स्टिच करके सेट कर दें। और बाद में इसको जो एक्स्ट्रा है उसको कट भी कर सकते हैं। ये बड़ी वाली सिलाई डालेंगे बाद में हम इसको निकाल देंगे। तो सेम आप इसको इस तरह से ही फोल्ड करते जाएं।
इसी तरह मैं सारे डिजाइनों को कवर कर लूँगी और सेम दूसरी साइड भी। ये मैंने तैयार कर लिया है और ये लेस लिया है, अभी आपको बताती हूँ इसको किस तरह से लगाना है। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इसको हम इस तरह से दूसरी साइड में टर्न ले लेंगे। और इसी तरह हम पूरा राउंड में इसको स्टिच डाल देंगे। अभी जैसे हमने इस तरह से वन साइड में पूरा अटैच कर लिया है, सेम हम इसी तरह से दूसरा साइड में भी इसी तरह स्टिच करेंगे। मैंने ये पैच तैयार कर लिया है और ये मैंने प्लेन कुर्ती ली है, ये नीचे है आप देख सकते हैं प्लेन है और ये नीचे का पार्ट है। तो मैं ये बॉर्डर लगाऊंगी, ये इस तरह से क्रॉस में लगाऊंगी। तो हमारा क्या है, जो नीचे साइड में जो कुर्ती है वो साइड में वन साइड में इस तरह से डिजाइन चाहिए। आप चाहे लेफ्ट राइट किसी साइड में भी लगा सकते हैं, मैंने ये लेफ्ट साइड में लगाया है। तो इसको हम इस तरह से क्रॉस में अटैच करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और जो हमारी शेप है सेम शेप में आप इसमें स्टिच डाल दें। और स्टिचिंग डालने के बाद मैंने ये गोल्ड कलर के बटन लिए हैं और बटन को आप इस तरह से इसमें लगा दें। तो आप इस तरह से बटन लगाएंगे तो आपका कुर्ती का जो लुक है वो इस तरह से आएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।